रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अम्बाला किचन की जानू से मैं हूँ लाला अम्बाली जी। तो आज की हमारी रेसिपी है प्याज वाले पकौड़े। ये प्याज वाले पकौड़े किस तरीके से बनते हैं तो आए हमारे साथ हमारे किचन में शुरू करते हैं। ये बहुत मज़े के होते हैं पकौड़े इंशाल्लाह जिस तरीके से हम बनाएंगे। तो ये है प्याज लिया हमने, 1 किलो प्याज है, इसको काट लिया हमने। तो ये प्याज, तो इसमें मज़ीद हम ये स्पाइसेस जो डाल रहे हैं, इसमें ये कुटी हुई मिर्च लेनी है, पिसी हुई नहीं, ये 2 टीस्पून है, और हल्दी है 1/2 टीस्पून, अनारदाना 1.5 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, ये धनिया लिया हमने, ये पिसा हुआ नहीं है, हाथ में मसला है हमने इसको साबुत धनिया को इसी तरीके से लेना है। तो ये 1.5 टीस्पून है, और ये गरम मसाला मिक्स पिसा हुआ 1/2 टीस्पून है, अजवाइन 1/4 चम्मच है। तो ये अशिया की हमें ज़रूरत होगी, ये हम इसमें डाल देंगे प्याज में टोटल। और ये कुछ सब्ज़ मिर्चें ली हैं हमने, ये झटपट तैयार होने वाला है, हमने इसी लिए पहले से हर चीज़ तैयार कर लिया, रेडी कर लिया, ताकि आपका भी टाइम ज़ाया ना हो और जल्दी से हम आपको बता सकें। मुख्तसर सी वीडियो है, आप मुकम्मल देखें इसको। ये सब्ज़ मिर्चें ली हैं, ये भी इसमें जाएंगी, तो इसको मुकम्मल देखें इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। और हमारी वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दिया करें, अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर कर दिया करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ये बेसन लिया हमने, 1 प्याली बेसन है, तो ये तकरीबन 1 पाव बेसन है ये जाएगा। इसको हम इसमें पानी नहीं डालेंगे अभी, इसको अच्छे से मसलेंगे प्याज को और बेसन, और ये मसाले हमने डाल दिए, इसको इसको इस तरीके से ही अच्छे से मसलेंगे हम, पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये प्याज जो है काफ़ी पानी छोड़ेगा, इसमें जो नमक वगैरह ये स्पाइसेस हमने डाले, इससे इसमें से प्याज में से काफ़ी पानी निकलेगा। अगर ज़रूरत पेश आई तो जब हम इसको पकौड़े बनाएंगे तो उस वक्त में ही इसमें पानी डालेंगे अगर ज़रूरत पेश आई। देख रहे हैं हमने इसमें पानी नहीं डाला, तो इसको मिक्स ऐसे किया प्याज में, अच्छे से इसको गूंदा है प्याज के साथ बेसन को। ये देख रहे हैं आप कितना नरम हो गया ये। अब इसको हम 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, तो मज़ीद जो इसने पानी जितना भी छोड़ना होगा प्याज छोड़ लेगा, तो उसके बाद इंशाल्लाह इसके पकौड़े बनाएंगे। ये 15 मिनट हो गया हमें, तो ये देख रहे हैं आप इसने पानी कितना छोड़ दिया प्याज ने, इसमें पानी हालांकि हमने डाला नहीं है, तो ये पानी बल्कि अब भी ज़्यादा है, ये थोड़ा पानी हम इसमें से निकाल देंगे। ये चेक कर लेते हैं, आयल हमने गर्म होने के लिए रखा है, इसको चेक करते हैं। बस ये ख्याल करना है, अब ऑयल गर्म है तो इसको ज़्यादा बड़े साइज में नहीं डालना, आप देख रहे होंगे जितना छोटा डालेंगे उतना ही अच्छे से ये पकेगा, छोटे साइज में ही डालने हैं। अगर ये साइज़ इसका ज़्यादा बड़ा होगा तो अंदर से थोड़ा कच्चा रहेगा, तो अच्छी तरह से पकाने के लिए छोटे से थोड़े छोटे साइज में डालने हैं। फौरी तौर पे इसकी साइड चेंज नहीं करनी, ये डालेंगे खुद ही ये एक साइड से पक के ऑयल के ऊपर आ जाएंगे, तैर जाएंगे जब तो। और एक ख्याल रखना है कि ये ज़्यादा नहीं डालने, वरना ये जो है ना अच्छे नहीं बनेंगे, खस्ता नहीं बनेंगे, थोड़े थोड़े करके ही डालने हैं, और ये एक साइड से जब पक जाएँ तो फिर ही साइड चेंज करनी है। तो देख रहे हैं आप एक साइड से ये कलर इनका चेंज हो जाए तो फिर ही इनका जो साइड है वो चेंज करनी है इस तरीके से। ये देख रहे हैं ये हमारे पकौड़े प्याज वाले पकौड़े तैयार हो गए हैं, आप देख रहे हैं ये इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनते हैं, इस तरीके से आप भी ट्राई करें। तो मुझे उम्मीद है कि ये आज की हमारी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपके ये प्याज वाले पकौड़े कैसे बने। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, यही मेरी रिक्वेस्ट है। तो अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दिया करें,
तो इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द दोबारा करूँगी। मुझे दे इजाज़त, खुदा हाफिज़।